हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरए की, जिसके रिगार्डिंग आप सभी का बहुत कमेंट आ रहा था। जो प्रॉब्लम आप सभी की थी वो ये थी कि काफी बच्चों का जो एस्टेट का एग्जाम है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हमारा शेड्यूल था वो एक ही दिन पड़ रहा था। लेकिन आप सभी के लिए जो बीपीएससी के माननीय चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी का अभी अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आया है उसके माध्यम से उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 4 सितंबर से आप सभी का क्लास 9 10th का और 11 12th का उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन काफी बच्चे जिनका कि एस्टेट का एग्जाम भी है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों ही एक ही दिन है, अब वो बच्चा परेशान था, कमेंट भी कर रहा था और मैसेज भी कि अब हम क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं या एस्टेट का एग्जाम देने जाएं। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने इसका सॉल्यूशन अभी अभी निकाल दिया है। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि द टीआरए स्टूडेंट्स हैविंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एस्टेट ऑन द सेम डेट शुड कॉन्टेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीशेड्यूल। जिसका कि मतलब है कि जिन भी कैंडिडेट्स का हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एस्टेट का जो एग्जाम है वो एक ही दिन है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कांटेक्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रीशेड्यूल करवा ले। तो इसका सॉल्यूशन आप सभी का निकाल दिया गया है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद द्वारा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीपीएससी कितना अच्छा काम कर रही है, बच्चों के फेवर में काम कर रही है, ज्यादा दिक्कत का सामना बच्चों को नहीं करने दे रही है। आई होप आप सभी को यह प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पता लग गई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए क्योंकि यह सूचना सभी तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सब भी सबसे तेज अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और टीचिंग जॉब से रिगार्डिंग कोई भी टीचिंग जॉब हो सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका कि लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट पे दे रखा है। आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सूचना देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।